सर हमारे पास तकरीबन हम जितनी भी हम गाड़ियां परचेज सेल करते हैं तो हमारी गाड़ियों का रेट जो है ना आम शोरूम से मुनासिब ही होता है। ठीक है, 17 का मॉडल है ये, 150 आईजेट कंपनी है। ठीक है, ये अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, ये सर 12 का मॉडल है। ठीक है, और ये फुल क्रूज गाड़ी कहलाती है, फुल ऑप्शन वाली। 18 के रजिस्टर्ड है और मॉडल कौन सा है? 2012 का मॉडल है ये, 150 आईजेट है। ये भी 12 का मॉडल है और 18 का नंबर लगा हुआ है। 12 का मॉडल है, 18 का नंबर रजिस्टर्ड है ये। ठीक है यार, गाड़ी मुझे अंदर से बड़ी हैवी जबरदस्त लग रही है। इवन ये देख लीजिए, इसकी गियर पे भी जो है ना कवर लगाया हुआ है, बड़ी खूबसूरत बनाई गई गाड़ी। दो पंखे लगे हुए हैं और ये सीटें देखिए, लेदर जबरदस्त लेदर कुशनिंग हुई हुई है, फरारी लुक वाली। ये देख लीजिए, एक ये गाड़ी है सुजुकी एवरी है ये। जी सुजुकी एवरी, सुजुकी एवरी है, इसमें जरा सफाई सुथराई हो रही है गाइस। इनके पास ये एक टोयोटा GLI भी खड़ी हुई है, 2020 मॉडल है। ठीक है, गाड़ी को मैं पहले आपको दिखाता हूँ, फिर इसकी डिटेल लेते हैं। अच्छा गाइस, ये है क्रोला एक्स, 2005 का मॉडल है और 8 का नंबर है, 8 का नंबर है, रजिस्टर्ड 2008 का हुई हुई है। ठीक है, जापानी गाड़ी है गाइस। ये टोयोटा सर्फ खड़ी हुई है, 97 का मॉडल है, जापानी गाड़ी है, 2007 की रजिस्ट्रेशन है गाइस। ये देख लीजिए, रिवो खड़ी हुई है, 2021 का मॉडल है और 21 की ही रजिस्टर्ड है। ठीक है, कंडीशन बहुत साफ़ सुथरी है, सफाई नहीं हुई हुई है, देखिए ज़रा सफाई नहीं हुई हुई गाड़ी की, वरना बहुत साफ़ सुथरी गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग मौजूद हैं अरबाब मोटर्स पे, जो के PIB के साथ, जो आपने देखा होगा काफ़ी सारे शोरूम बने हुए, वहीं पे एक शोरूम है। इसकी लोकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ आने का मकसद ये गाइस, आप लोग देख रहे होते हैं हम संडे बाज़ार में वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन अब हम शोरूम्स पे भी जाके बना रहे हैं वीडियो। ये देखिए आप लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ दिखा सकें कि कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं यूज़ में, कहाँ पर मिल रही हैं, क्या प्राइस है। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अरबाब मोटर्स पर, और ये देखिए काफ़ी सारी गाड़ियाँ इनके पास मौजूद हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल लेंगे हम, जो यहाँ के ऑनर हैं। तो आपने हमारे साथ रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो मज़ीद आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तो गाइस, मीर अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के ऑनर हैं, तो इनसे डिटेल लेते हैं ज़रा कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, क्या प्राइस है, क्या फैसिलिटीज़ ये दे रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी सर, वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर, कैरियर से? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर। ज़रा बताइए कौन कौन सी गाड़ियाँ आपके पास, क्या फैसिलिटीज़ है? सर हमारे पास तकरीबन हम जितनी भी हम गाड़ियां परचेज सेल करते हैं तो हमारी गाड़ियों का रेट जो है ना आम शोरूम से मुनासिब ही होता है। ठीक है, अभी ये गाड़ी खड़ी हुई है, अनरजिस्टर्ड है, 17 का मॉडल है। ठीक है, ठीक है सर, वो गाड़ी खड़ी हुई है, वो फुल क्रूज गाड़ी है, 4 पावर सोफा सीट वाली गाड़ी है। ठीक है, पहले मुझे ये बताइए क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं आपके पास, क्या? सर हमारे पास जितनी भी गाड़ियाँ इंशाल्लाह मुनासिब रेट में होती हैं, और गाड़ियाँ डॉक्यूमेंट से, फाइल से, हर चीज़ से क्लियर होती हैं। ठीक है, और तकरीबन आप ये समझ लें कि आप मतलब जो फैसिलिटीज चाहे तो मतलब आके हमसे मिल लें। ठीक है, और बैठ के जो है ना बात कर लेते हैं कोई भी। अभी जो इस वक्त कौन कौन सी गाड़ियाँ मौजूद हैं नाम बता दीजिए सर। हमारे पास अभी फिलहाल जो है ना तकरीबन 8-9 गाड़ियाँ मौजूद हैं, और कुछ गाड़ियाँ मेरी शोरूम पे खड़ी हुई हैं, कुछ इस्लामिया पे खड़ी हुई हैं। अच्छा अच्छा, तो इस्लामिया पे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वहाँ पर अनरजिस्टर्ड भी है और रजिस्टर्ड वहाँ पे, किसी और दिन हम वीडियो बनाएंगे। जी जी, तो चलिए इससे शुरू करते हैं। ये कौन सी गाड़ी है सर, बताइए? सर 17 का मॉडल है ये, 150 आईजेट कंपनी है। ठीक है, ये अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, ठीक है सर, ये फाइनली 15 लाख रुपए में आएगी गाड़ी। ठीक है, और ये जो है 12 का मॉडल है, 18 की। पहले इसी पे रहते हैं हम, हमने काफ़ी डिटेल वीडियो बनानी है। जी जी, तो ये आप बता रहे हैं 15 लाख की आएगी, 150 का अनरजिस्टर्ड है, 2017 मॉडल, 17 का मॉडल है, रजिस्टर्ड नहीं हुआ, बाहर से इम्पोर्ट हुआ है। जी जी, तो सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा गाड़ी खुलवा के इंटीरियर ज़रा दिखाएँ। तो सर इसका इंटीरियर दिखाते हैं पहले हम अपने देखने वालों को, आप फिर बताइएगा इसकी डिटेल मजीद। तो गाइस ये देखिए, ये गाड़ी है 150 हाई जेट, ये देख लीजिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पावर विंडोज आपको मिल जाएगी, पावर स्टेयरिंग है, पावर स्टेयरिंग है, पावर स्टेयरिंग मिल जाएगा गाइस। उसके अलावा ऑटोमेटिक है, और ये देख लीजिए आपको LCD इंस्टॉल्ड है, ट्रे वाली गाड़ी है, ये ट्रे लगी हुई है ना, ये IDLX गाड़ी ये है, वाली? हाँ, ये ट्रे लगी हुई है ना, IDLX में आती है ये। ठीक है, ये देख लीजिए गाइस, ट्रे लगी हुई है, IDLX में आती है ये। अच्छा, इसमें जो है ना, ये देख लीजिए बाहर से इम्पोर्ट हुई हुई है, एज इट इज़ वही कंडीशन है इसकी। अब मैं ज़रा आपको बैक से दिखाता हूँ,
ये आपने देखा होगा गाइस कि जो हाई जेड एवरी वगैरह आती है उसमें ये सीट आती है एक लगी हुई, ठीक है। और इसको आप चाहते हैं तो फोल्ड कर देते हैं और पीछे पूरी आपको एक जगह मिल जाती है, तो उसी कंडीशन में है ये गाड़ी। बाकी इसमें आप सीट वीट लगवाना चाहें तो एक अलग चीज़ है। अच्छा, इसमें जो है ना मैं आपको बता दूं कि एसी वगैरह ओके, एसी वगैरह सस्पेंशन हर चीज़ से क्लियर है, ठीक है, सस्पेंशन वगैरह सब क्लियर है। और क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ हैं? ये सर तकरीबन आप ये समझ लें कि पावर स्टेयरिंग है, पावर विंडो है, ठीक है, हाइड्रोलिक सीटें हैं, ठीक है, रेटेक मिरर है, ठीक है, ठीक है। तो ये देख लीजिए गाइस, और ये देख लीजिए, मैंने साइड से भी दिखा दी। तो एक ये गाड़ी आपके पास यहाँ पे मौजूद है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, बाहर से इंपोर्टेड 2017 का मॉडल है, 15 लाख आप इसकी डिमांड बता रहे हैं। हमारे चैनल से कोई आता है उसको मजीद डिस्काउंट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा सर, ठीक है। अब ये वाली बताइए कौन सी है? ये सर 12 का मॉडल है, ठीक है, और ये फुल क्रूज गाड़ी कहलाती है। फुल क्रूज मतलब फुल ऑप्शन वाली, आप इधर आइए। फुल प्रूफ मतलब फुल ऑप्शन है इसके अंदर, जी जी, ठीक है। ये भी 150 हाई जेट है, 150 हाई जेट है, सोपा सीट वाली गाड़ी है, ठीक है। इसमें ये देखिए गाइस, ये लगा हुआ है बम्पर, जो सेफ्टी बम्पर होता है ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है, और ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है, ये 18 की रजिस्टर्ड है, ये 18 की रजिस्टर्ड है। और मॉडल कौन सा है? 2012 का मॉडल है, ठीक है। इसमें देखिए जो सीटों का आपको बता रहे हैं, मैं सीटें दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, ये जो मैंने आपको जैसे उस वाली में दिखाया था कि ओरिजिनल वो लगी भी आती है, इसमें ये सीटें इंस्टॉल्ड की गई हैं, और इसका छत जो ना पैक है, इसका छत पैक कर दी है इसकी, जैसे उसमें आपने देखा होगा खुली भी छत आती है, पैक कर दी है। इसी तरह ये ट्रे यहाँ पे भी मौजूद है, ये जो आपको दिखाई दी हमने, ठीक है। बैक पे यहाँ पे सीटें नहीं हैं, अगर आप चाहें तो आप अलग से लगवा सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ, पावर विंडोज़ आपको मिल रही है, ये देख लीजिए पावर विंडोज़ यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा पावर स्टेयरिंग है, पावर रिटेक मिरर है, पावर रिटेक मिरर भी है, ये देख लीजिए पावर रिटेक मिरर है ये। उसके अलावा ये देख लीजिए ऑटो ट्रांसमिशन के साथ है, एलसीडी चल रही है, वर्किंग एलसीडी, बैक कैमरा हर चीज ऑन है, एलसीडी बैक कैमरा ऑन है, एसी वगैरह ओके, एसी वर्किंग में, किसी किस्म का काम इसमें सस्पेंशन पर किसी किस्म का काम नहीं है, टायर ओके है इसके, सस्पेंशन ओके है, और सेफ गार्डी पीछे के साइडों के सब लगे हुए इसके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 12 का मॉडल है और 18 की रजिस्टर्ड है। अब इसकी प्राइस बताइए सर। सर ये फाइनली जो है ना 12.5 डिमांड है, लेकिन फाइनली ये 12 लाख रुपए में मैं दे दूंगा, ठीक है, फाइनल रेट है 12 लाख रुपए, 12.5 डिमांड है, 12 लाख में फाइनल दे देंगे, 12 लाख रुपए, ठीक है गाइस। ये देख लीजिए, अब अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं। तो सर इस गाड़ी का बताइए, ये कौन सी है? ये भी 150 आई जेट है सर, ये 150 आई जेट है, ये भी 12 का मॉडल है और 18 का नंबर लगा हुआ है, 12 का मॉडल है, 18 का नंबर रजिस्टर्ड है ये, ठीक है। और इसमें गाइज मुझे नजर आ रही बड़ी खूबसूरत सी जो है ना वो सीटें अंदर लगी हुई है, जो कि फरारी वाली जो है ना लुक आपको सीटों की मिल रही है, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले गाड़ी देखिए, ये साइड से देखिए गाइस, ये भी 150 हाई जेट है, और ये भी बाहर से इम्पोर्ट हुआ हुआ मॉडल है, लेकिन पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुआ हुआ है ऑलरेडी। इसमें आपको अलॉय रिम इंस्टॉल्ड है, साइड पे देखिए तो यहाँ पे साइड पे भी जो है ना आपको वो सेफ्टी गार्ड मिल जाएगा, ठीक है। इस वाली गाड़ी में भी साइड में यहाँ पे भी मौजूद है, बैक पे भी बम्पर है, फ्रंट पे भी बम्पर ऑलरेडी मौजूद है। तो चलिए गाड़ी अंदर से दिखाते हैं, यार गाड़ी मुझे अंदर से बड़ी हैवी ज़बरदस्त लग रही है। इवन ये देख लीजिए इसकी गियर पे भी जो है ना कवर लगाया हुआ गाइस, बड़ी खूबसूरत बनाई गई गाड़ी, दो पंखे लगे हुए हैं, और ये सीटें देखिए लेदर, ज़बरदस्त लेदर कुशनिंग हुई हुई है, फरारी लुक वाली। आपको पावर स्टेयरिंग इसमें मिलेगा, पावर विंडोज़ हैं इसमें, ये देख लीजिए गाइस पावर विंडोज़ हैं, ड्राइवर साइड पे सारे कंट्रोल्स हैं वो देख लीजिए। उसके अलावा इसमें जो है वो LCD इंस्टॉल्ड है, बैक कैमरा इंस्टॉल्ड है, एक्स्ट्रा सीट लगा हुआ है पीछे, पीछे भी मैं दिखाता हूँ आपको, AC वगैरह ओके। और पीछे की तरफ चलते हैं, अंकल बता रहे हैं कि पीछे जो है ना वो एक्स्ट्रा सीट, हाँ ये वाला सीन है ना गाइस, ये देखिए ये सीट लगी हुई आती है। इसमें इन्होंने लेदर कुशनिंग करी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त लेदर कुशनिंग है, सही है लेदर कुशनिंग, बिल्कुल नई जैसी लग रही है, देखिए गाइस। और इसके पीछे एक्स्ट्रा सीट है, ये देखिए, ये जो है ना ये वाला सीन आपको नहीं मिलता, नॉर्मली सीट लगवानी पड़ती है, एक्स्ट्रा सीट यहाँ पे मौजूद है। और ये देख लीजिए नीचे जो है ना वो स्पीकर भी इंस्टॉल्ड हुए हैं। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप ये गाड़ी लेते हैं तो दो बंदे आगे, दो बंदे पीछे, और मजीद दो बंदे पीछे, या तीन बंदे या छः बंदे, इस तरह करके कम से कम गाड़ी में 6 लोग तो बैठ सकते हैं इजली, ये देख लीजिए गाइस। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो है ना ये इसका हैंड रेस्ट है, ये हैंड रेस्ट है, हाँ ये हैंड रेस्ट है,
ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे कप होल्डर भी मिल जाएगा। ऊपर इसकी जो है आप देख लें, छत उसी तरह है जैसे आती है, लेकिन दो फैन लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये ट्रे जो है ना, आपको ये वाली ट्रे मिल रही है। ठीक है गाइस, तो चलिए इसकी ज़रा प्राइस पूछते हैं। इस गाड़ी की क्या प्राइस फिर? ये सर मैं 11.25 लाख रुपए डिमांड कर रहा हूँ, फाइनली 11 लाख रुपए में दे दूंगा। मैं तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये का सामान लगा हुआ है। तकरीबन अच्छा। गाड़ी पूरी ओरिजिनल है, इंजन अपना है गाड़ी का। ठीक है, तो गाइस 11 लाख में दे देंगे। इसमें मुझे बताइए किसी किस्म का काम कोई लेने के बाद? सर इसमें कोई काम नहीं, कोई है, काम नहीं है, बिल्कुल गाड़ी ओके है, अपने इंजन के अंदर है। वही 660 सीसी इंजन है ना, बाहर वाला 60 सीसी है, वो 660 सीसी इंजन है इसके अंदर, जो गाइस आपको एवरी में हाई जेट वगैरह में मिल रहा होता है वो इसमें मिलेगा। 11 लाख तक की आपको ये गाड़ी मिल सकती है। ऑलरेडी इसमें अंदर देखें कुशनिंग वगैरह हुई भी है, तो ये एक ऑप्शन आ गया। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। तो गाइस ये देख लीजिए, एक ये गाड़ी है सुजुकी एवरी है, ये जी सुजुकी एवरी है, एवरी है। इसमें ज़रा सफाई सुथराई हो रही है, ये देख लीजिए गाड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ सुजुकी एवरी यहाँ पर खड़ी हुई है गाइस। इसके बारे में अंकल बताइएगा डिटेल। मैं बताता हूँ, आप जरा गाड़ी देखें, पहले मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ी। ये देख लीजिए गाइस, ये देख लीजिए। चलिए मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ गाड़ी की, जरा सफाई हो रही है। आप ये देख लीजिए, आपको पावर स्टेयरिंग, पावर विंडोज मिल रही हैं, वही वाला सीन है, पावर विंडोज। और ये देख लीजिए आपको जो है वो ऑटो ट्रांसमिशन के साथ मिल रही है, LCD इंस्टॉल्ड है, पीछे कैमरा भी मौजूद है, सीटें GL की पीछे आगे। और ये देख लीजिए, पहले मैं यहाँ की लेदर कुशनिंग दिखा दूँ, ये देख लीजिए गाइस, पीछे जो है ना क्या बताने, GL की सीटें, GL की सीटें लगी हुई है, सोफा सीट वाली है, आगे वाली GL की सीटें मिलाती है गाइस ये। और यहाँ पे ये सीन है कि ये आगे भी यही सीटें हैं और पीछे भी ये सीटें हैं। देखिये पीछे से नॉर्मली सीटें नहीं होती, तो पीछे आपने अभी एक गाड़ी देखी थी जिसमें लेदर कुशनिंग हुई हुई थी फरारी वाले टून में, ये देखिए यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ पे भी आपको जो है हैंडरेस्ट मिल जाएगा और कप होल्डर मिल जाएंगे। और फ्रंट पे जो है ना, यहाँ पे नॉर्मल सीटें थी उसमें, लेकिन यहाँ पे जो है कौन सी सीटें बताने सर? GL की सीटें, GL की सीटें जो सोफा वाली होती है, जो कुशनिंग वाली, ये GL की सीटें यहाँ पे एक ऑप्शन अच्छा मिल रहा है आपको। चलिए गाड़ी आपको दिखाते हैं, पीछे से भी दिखा देते हैं गाड़ी, यहाँ पे हम पीछे से दिखा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे तो जगह नहीं थी। ये आप देख लीजिए साइड से लगे कुशन, चलिए आपको पीछे से दिखाते हैं। ये देख लीजिए गाइस, हैंडरेस्ट दोनों सीटों में मौजूद हैं, उसके साथ जो बीच वाली सीट है वहाँ पे भी है, आपका हेडरेस्ट मौजूद है, और पीछे नीचे एक स्टेपनी भी रखी हुई है। और ये ज़रा बंद करके भी मैं आपको बैक से दिखा देता हूँ गाड़ी की कंडीशन। ये देख लीजिए गाइस, या गई बैक से। तो चलिए जब्बार भाई से पूछते हैं, जब्बार भाई इस गाड़ी का बताएं क्या है? ये सर 8 और 14 की गाड़ी है, 8 का मॉडल है, 14 की रजिस्टर्ड है, हर चीज से क्लियर है, नंबर फाइल टिकली पूरी, तकरीबन गाड़ी ओरिजिनल है। ठीक है, 2 पावर विंडो वाली गाड़ी है। ठीक है, आईडीलेस गाड़ी है, ये भी आईडीलेस गाड़ी है, टायर इसके चारों नए, इंजन इसका अपना है, सस्पेंशन ओके, हर चीज से क्लियर है, सब चीजें ओके है, सस्पेंशन किसी चीज में कोई काम नहीं है। और ये जो है ना फाइनली 9 लाख रुपए में देनी है, 9 लाख रुपए में, 9 लाख रुपए डिमांड है और 9 में देनी है। कितने डिमांड है? 9.25 डिमांड, 9.25 डिमांड कर रहे हैं, 9 लाख में दे देंगे गाइस। ये कब की रजिस्टर्ड है? ये 14 की रजिस्टर्ड है। और मॉडल कौन सा है? मॉडल 8 है, और मॉडल 8 है, 2008 मॉडल है गाइस, 8 और 14 की गाड़ी है। ठीक हो गया, 2 पावर वाली गाड़ी है, 2 पावर है, 2 पावर, और उसमें क्या होता है? 2 पावर और एक आती है सादी गाड़ी आती है DX, ये डीलक्स गाड़ी है। ठीक है, डीलक्स में जो है ना 2 पावर ही आते हैं और उसमें गियर्स 5 होते हैं, 5 गियर वाली है। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं गाइस। गाइस इनके पास ये एक टोयोटा GLI भी खड़ी हुई है, 2020 मॉडल है। ठीक है, गाड़ी को मैं पहले आपको दिखाता हूँ फिर इसकी डिटेल लेते हैं। ये देख लीजिए फ्रंट से आपने देखी है गाड़ी, गाड़ी बड़ी साफ़ सुथरी है। ये देख लीजिए राइट साइड से देख लीजिए, अलॉय रिम्स इसमें इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट साइड से आपको दिखाता हूँ ज़रा गाड़ी, ये देख लीजिए गाइस, लेफ्ट साइड से थोड़ा जगह कम है तो मैं इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। चलिए इसका इंटीरियर दिखाता हूँ जल्दी से आपको, ज़बरदस्त यार, क्या ज़बरदस्त साफ़ सुथरी गाड़ी है। ये देख लीजिए गाइस, पावर विंडोज़ यहाँ पे हैं। ठीक है, पावर स्टेयरिंग है,
उसके अलावा मैनुअल ऑटो ट्रांसमिशन है जी जी, ऑटो ट्रांसमिशन है भाई, ऑटो पावर स्टेयरिंग है, LCD इंस्टॉल्ड है, ठीक है, साउंड सिस्टम वगैरह इसमें इंस्टॉल्ड है। इसकी लेदर कुशनिंग वगैरह देखिए गाइस, क्या ज़बरदस्त लेदर कुशनिंग हुई हुई है। ये लेदर सीट ही आती है, ये इसके साथ आती है, इसके साथ ही लेदर सीट जो आती है वो लगी हुई है। ये देखिए आपको ड्यूल शेड मिल रहा होगा, एक ये ऑफ वाइट टाइप का और साथ में ब्लैक, ये पूरी गाड़ी में आपको ड्यूल शेड मिलेगा। ऊपर से देखिए इसकी रूफ़ जो है वो वाइट कलर में है, साइड है इसमें देखिए इंटीरियर जो है वाइट सॉरी ऑफ वाइट और ब्लैक कलर में आपको मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब इसकी जो है ना आपको बैक से सीट दिखाते हैं ज़रा, ये देखिए गाइस ये टेंटेड हुई हुई थी गाड़ी शीशे, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए गाइस लेदर कुशनिंग वगैरह देख लीजिए, साफ सुथरी है। चलिए अब इसके बारे में डिटेल लेते हैं, इंजन दिखा सकते हो इसका? जी जी, इंजन दिखाना ज़रा, थोड़ा इसका इंजन भी दिखा दें गाइस आपको। ये देखिए भाई साफ सुथरा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। जैसा आप ये देखिए कंडीशन से आपको आइडिया हो जाएगा गाइस, गाड़ी की कंडीशन देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इसकी साइडें देखिए, ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल ब्रांड न्यू साफ सुथरी गाड़ी है। ये देखिए ये बोतल भी आपको देखें, क्रिस्टल चमकती हुई नज़र आ रही है, इससे अंदाज़ा लगा लें। इंजन देखिए, ठीक है, तो ये हो गई इंजन दिखा दिया मैंने आपको। चलिए इसकी डिटेल लेते हैं ज़रा कि क्या प्राइस ऑफर कर रहे हैं ये, उसके बारे में पूछते हैं। जी भाई बताइए। ये 2020 मॉडल है, ठीक है, और 20 का ही रजिस्टर है। 2020 का मॉडल है, 20 का रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसमें बताओ क्या क्या चीज़ें हैं। इसका स्पेयर टायर अनयूज है, ठीक है, 19,000 चली हुई है, ठीक है, बिल्कुल जीरो मीटर है, ठीक है, 36 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं। 36 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं जी, ये सिर्फ ये एक स्क्रैच है, इसके अलावा पूरी बॉडी। ये देखिए गाइस ये हल्का सा स्क्रैच है, बाकी पूरी बॉडी देख लीजिए आप, अन स्क्रैच है। 2020 का मॉडल, 2020 की रजिस्टर्ड है, टोयोटा GLI। अच्छा इसमें ये बताओ किसी किस्म का कोई काम कोई चीज नहीं? नहीं, नहीं, सब ओके ओके। इसमें CNG तो नहीं होगी? पेट्रोल में, पेट्रोल, ठीक है। और एवरेज क्या है इसकी यार, कितना चली हुई है ये? चली हुई है 19,000 चली हुई है, ठीक है गाइस। 30 लाख आपने बताया इसकी, 36 लाख इसकी डिमांड कर रहे हैं गाइस, ये भी इन्हीं के पास मौजूद है गाड़ी। चलिए एक और गाड़ी की तरफ चलते हैं। अच्छा गाइस ये है क्रोला एक्स, 2005 का मॉडल है और 8 का नंबर है, 8 का नंबर है, रजिस्टर्ड 2008 का हुई भी है, ठीक है, जापानी गाड़ी है। ये देख लीजिए फ्रंट से मैंने आपको दिखाई है, साइड से दिखाता हूँ गाइस। ये देख लीजिए अलॉय रिम्ड वगैरह इंस्टॉल्ड है, इसमें कंडीशन देखिए गाड़ी की, ठीक है। उसके बाद आते हैं साइडों पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए साइडों से, ठीक है, गाड़ी की कंडीशन देखिए ज़रा। चलिए गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ आपको, फिर गाड़ी के बारे में डिटेल लेते हैं। ये देखिए गाइस गाड़ी का इंटीरियर कुछ इस तरह का है, ठीक है, पावर विंडोज, पावर स्टेयरिंग, ऑटो ट्रांसमिशन, साथ में आपको LCD इंस्टॉल्ड है, ठीक है। 40 एनिवर्सरी। ये देख लीजिए ये 1500 CC है, 1500 CC गाड़ी है, ठीक है। और भी डिटेल अभी आपसे लेते हैं सारी डिटेल। ये देख लीजिए बैक साइड इसकी गाइस, ठीक हो गया। इसका इंजन देखते हैं और फिर आपको जो है ना बात करते हैं, गाड़ी की डिटेल लेते हैं। ये देख लीजिए गाइस इसका इंजन रूम देखिए, पहले इंजन रूम काफ़ी साफ़ सुथरा है, ठीक है। डस्ट पड़ी हुई है, ये सफाई नहीं हुई हुई इसलिए डस्ट है, बाकी सफाई हुई हुई होती तो बड़ा और साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होता आपको। इंजन देख लीजिए इसका गाइस, ये देख लीजिए, ठीक हो गया। चलिए इसका पूछते हैं। जी भाई बताइए इस गाड़ी के बारे में। ये 2005 मॉडल है, ठीक है, 8 का नंबर है, ठीक है, एक्स करोला है, 14 एनिवर्सरी वाली है, इसके 23.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, ठीक है,
23.5 लाख डिमांड है, इसमें कोई काम वगैरह कुछ नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल ओके। अच्छा इसमें देखें, मैं देख रहा हूँ कहीं कहीं पे स्क्रेचेस भी हैं, तो ये हल्के पुल्के स्क्रेचेस आ जाते हैं। इस पे वो टचअप वगैरह किया? टचअप नहीं है, टचअप टचअप कोई नहीं है, यही अपनी ओरिजिनल, कोई टचअप नहीं है ओरिजिनल हालत में। गाइस स्क्रेचेस जो है जैसे है वो मैंने आपको दिखा दिए, देख लीजिए जो जैसे थोड़े बहुत स्क्रेचेज हैं वो हैं, अगर आप टचअप करेंगे तो स्क्रेचेज साफ हो जाएंगे, इन्होंने कोई टचअप नहीं किया हुआ। तो इसकी कितने बताइए आपने डिमांड? 23,50,000। 23,50,000 इसकी डिमांड है गाइस। तो नंबर आपने वीडियो देखी होगी, वीडियो में आपको जगह जगह नंबर मिल गया होगा, अगर नहीं मिला तो वीडियो रिवर्स कर सकते हैं और आगे भी मजीद जो है वो वीडियो में आपको नंबर मिलेगा मुख्तलिफ जगहों पे, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में अरबाब मोटर्स की जो है ना ये पूरी आपको वो लोकेशन मिल जाएगी, एग्जैक्ट पिन लोकेशन, आप चाहें तो लोकेशन फॉलो करके भी आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं गाइज। ये टोयोटा सर्फ खड़ी हुई है, 97 का मॉडल है, जापानी गाड़ी है, 2007 की रजिस्ट्रेशन है। बाकी डिटेल इसकी लेंगे, पहले आप ये देखिए ज़रा सामने से गाड़ी, लेफ्ट साइड से दिखाता हूँ आपको गाड़ी, ये देख लीजिए अलॉय रिम वगैरह इसके ज़बरदस्त, टायर मुझे बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं, बाकी ये पूछ लेंगे हम इनसे। ये देख लीजिए गाइस लेफ्ट साइड से, राइट साइड से आपको दिखाते हैं गाड़ी, चलिए इसका इंटीरियर दिखाते हैं आपको, क्या हैवी ड्यूटी गाड़ी है गाइस। ये देखिए इंटीरियर देखिए इसका, ये आपको पावर विंडोज, पावर स्टेयरिंग ऑटो ट्रांसमिशन के साथ LCD इंस्टॉल्ड, और इंटीरियर में देखिए आपको तीन जो है ना वो कलर मिल रहे हैं, एक तो ये हो गया ग्रे शेड है, फिर एक ऑफ वाइट है, उसके साथ ये जो है ना आपको एक्रेलिक शेड आपको मिल रहा है। ठीक है इसकी कुशनिंग देख लीजिए आप, ठीक है फ्रंट सीट आपने देख ली, बैक पे दिखाते हैं आपको। और ये गाइस सर्फ है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो है वो 4 सीटर नहीं होती, 6 to 7 सीटर गाड़ी होती है। इसमें देखिए 2 सीटें यहाँ लगी हुई हैं, ठीक है उसके बाद पीछे ये जगह है, यहाँ पे आप चाहें तो कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं या इसको जो है ना फिर आप ऐसी सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऊपर जो है वो चाहे तो आप इसका वो लगवा सकते हैं जंगला वगैरह। ठीक है इसके साथ ये पीछे जो है ना इसका स्टेपनी है, एक्स्ट्रा टायर है, यहाँ पे ये थोड़ी सी हेडलाइट देख लीजिए ये टूटी हुई है, ठीक है ये लग जाएगी, इसका कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। तो ये है गाड़ी, चलिए अब इसका इंजन रूम ज़रा दिखाना, ये देख लीजिए गाइस इंजन रूम देखिए, अच्छा जी ये इंजन रूम है, इंजन देख लीजिए। अब बताइएगा ज़रा इंजन का क्या बता रहे थे आप इसका? ये 3400 cc है भाईजान, 3400 cc इंजन इसका अपना है, ठीक है पूरी ओरिजिनल है, ठीक है इसके 35 डिमांड कर रहे हैं, 97 और 2007 गाड़ी पूरी ओरिजिनल है, कहीं पे कोई चीज़ शावर वगैरह कुछ नहीं है, नहीं है पूरा 2007 में रजिस्टर्ड है, 97 का मॉडल है, 35 लाख डिमांड कर रहे हैं गाइस। 3400 पेट्रोल है। कितनी चली हुई है ये देख लेते, ये कितनी 1,61,000 चली हुई है, 1,61,000 चली हुई है, 97 का मॉडल है गाइस, जाहिर है आपको पता है, ओरिजिनल चली हुई है, मीटर पीछे नहीं किया। अच्छा इसके टायर वगैरह क्या नए हैं? नए टायर है, रिम टायर नए डले, रिम टायर वगैरह नए डले हैं। तो चलिए गाइस एक और रिवो भी यहाँ पे मौजूद है, उसका भी ज़रा कर लें। गाड़ियाँ तो बहुत सारी मौजूद हैं लेकिन सब हम आपको एक ही वीडियो में नहीं दिखा सकते, ये वाला कोशिश करेंगे यहाँ पे दोबारा वीडियो बनाएं। एक और रिवो है, चलिए उसको उसका रिव्यू करते हैं गाइस। ये देख लीजिए रिवो खड़ी हुई है, 2021 का मॉडल है और 21 की ही रजिस्टर्ड है, ठीक है कंडीशन बहुत साफ़ सुथरी है, सफाई नहीं हुई हुई है, देखिए ज़रा सफाई नहीं हुई हुई गाड़ी की, वरना बहुत साफ़ सुथरी गाड़ी है। ठीक है ये देख लीजिए गाइस फ्रंट से दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है और ये देखिए अलॉय रिम वगैरह देखिए इसका, ये राइट साइड से देखिए फ्रंट लुक इसकी, उसके बाद ये देख लीजिए गाड़ी फ्रंट से मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉरी लेफ्ट साइड से दिखा, राइट साइड से दिखा रहा हूँ आपको गाड़ी गाइस, लेफ्ट से देखते हैं गाड़ी, ठीक है इंटीरियर भी दिखाएंगे आपको। अच्छा ये गाड़ी जहाँ खड़ी हुई है जगह थोड़ी कंजेस्टेड है, मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूँ, जैसे टोटल 25,000 किलोमीटर चली है, 25,000 किलोमीटर चली है, थोड़ी डिटेल दो है इस गाड़ी की फिर इंटीरियर दिखाते हैं। हाँ ये 25,000 किलोमीटर चली है,
25,000 किलो चली हुई है, 25,000 किलोमीटर चली हुई है, 2021 का मॉडल है, 21 की रजिस्टर्ड है। और बताओ, और इसकी डिमांड है 80 लाख रुपए। 80 लाख डिमांड है, इसमें कोई काम कोई चीज कुछ भी नहीं, बिल्कुल ये जीरो मीटर तो नहीं है खैर, लेकिन ये कह सकते हो साफ सुथरी गाड़ी है जी। अच्छा अब आ जाते हैं, इसका इंटीरियर दिखाते हैं गाइस आपको। ये देखिए यार, लाइट जल सकती है आगे, जरा लाइट जलवा के आपको जरा इंटीरियर दिखाते हैं गाइस, थोड़ी रोशनी कम है। ये देख लीजिए, एंड्रॉयड LCD इंस्टॉल्ड है इसमें। गाड़ी की कंडीशन आप चेक कीजिए अंदर से, ये देख लीजिए। आपको पता है पावर स्टेयरिंग है, ऑटोमेटिक है, पावर विंडोज़ वगैरह ये तो आपको जाहिर सी बातें मिलेंगी। फुल उसके बाद ये देख लीजिए, लेदर कुशनिंग वगैरह देखिए गाइस, बड़ी ज़बरदस्त लेदर कुशनिंग हुई हुई है उसकी ओरिजिनल, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है रिव्यो का, मैं कोई रिव्यू तो नहीं कर रहा, मैं तो आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ, जो लोग देख चुके हैं उनको पता होगा। फुट स्पेस बहुत अच्छी है, देख लीजिए ये बड़ी ज़बरदस्त है फुट स्पेस इसकी गाड़ी। ये आगे भी हो जाएगी सीट, थोड़ी पीछे हुई भी है। चलिए बैक से आपको दिखाते हैं, ये देख लीजिए गाइस, ये देखिए। उसके बाद सही, ये देख लीजिए गाइस, ये कंडीशन है। चलिए इसकी जरा बैक साइड आपको दिखाते हैं, ये देख लीजिए गाइस, ठीक है। बैक से भी आपको गाड़ी दिखा दें जरा, वो कर देंगे, ये देख लीजिए गाइस। तो ये आ गई रिवो 2021 का मॉडल, 21 की रजिस्टर्ड। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी काफ़ी सारी गाड़ियां हैं जो हम एक्सप्लोर नहीं कर सके टाइम की कमी की वजह से, इंशाल्लाह आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मज़ीद यहां पे एक्सप्लोर करनी चाहिए। और इनका एक और शोरूम भी है इस्लामिया की तरफ, उसको भी जाके हम किसी दिन एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।